नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एके जनता तक न्यूज चैनल पर। आज है 4 अगस्त 2024 और दिन है रविवार। तो चलिए देखते हैं खबरें फटाफट। 7 साल के पंजीकृत श्रमिकों को 3,000 रूपए पेंशन देगी मध्य प्रदेश सरकार। प्रदेश के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 3,000 रूपए पेंशन दी जाएगी। श्रम विभाग के अंतर्गत गठित मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत ऐसे 18 से 40 वर्ष की उम्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर प्रति माह पेंशन दी जाएगी। वहीं पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी या पति को 1,500 रूपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार की जबरदस्त योजना, किसानों को 3 साल तक मिलेंगे 5,000 रूपए। खेती की लागत घटाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रदेश में समूह बनाकर जैविक खेती करवाई जाएगी। 500 किसानों के समूह बनाए जाएंगे। इन्हें खेती करने के तौर तरीके सिखाने के साथ उपज की ब्रांडिंग और मार्केटिंग की व्यवस्था भी बनाई जाएगी। इसके लिए सरकार आउटसोर्स एजेंसी का चयन करेगी। इसका जिम्मा किसानों को प्रशिक्षण देने के साथ उपज की बिक्री का प्रबंध करना होगा। मध्य प्रदेश में राशन दुकानों पर अब गेहूं के साथ ज्वार, बाजरा और रागी भी मिलेगी। मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा के अंतर्गत आने वाले हितग्राहियों को राशन वितरण में अब श्रेयन के तहत राज्य में उत्पन्न होने वाले ज्वार, बाजरा और रागी भी दी जाएगी। इसके लिए स्थानीय किसानों से अनाज लेने और प्रक्रिया में स्व सहायता समूहों को जोड़ने पर विचार किया जाएगा। मध्य प्रदेश में मसालों के लिए बनेगी अलग मंडी। प्रदेश के संतरे और केले को सरकार दिलाएगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान। उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों से किसान और उद्योगपति दोनों लाभान्वित होंगे। इनके माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों में उद्यमिता और औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। अतः उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के परस्पर समन्वय से रोजगार के अवसरों व आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश पर बजट से ज्यादा लोन, हर व्यक्ति हुआ 50,000 से ज्यादा का कर्जदार। मध्य प्रदेश सरकार पर इस वित्तीय वर्ष में 4,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज हो जाएगा। इसी के साथ मध्य प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति 50,000 रुपए से अधिक का कर्जदार होगा। अब तक सरकार 3.75 लाख करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। अब 6 और 7 अगस्त को 2 किस्तों में 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश के कुल बजट की बात करें तो 3.65 लाख करोड़ रुपए का बजट है, लेकिन इससे अधिक मध्य प्रदेश सरकार पर कर्ज है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहनों से राखी बंधवा कर दी करोड़ों रुपए की सौगात। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दमोह पहुंचे, जहां स्व सहायता समूह की बहनों के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। लाडली बहनों ने डॉक्टर मोहन यादव को विशाल राखी भेंट की। मुख्यमंत्री ने 250 रुपए का शगुन देते हुए कहा कि 1,250 रुपए के अतिरिक्त 250 रुपए दिए जाएंगे। लाडली बहनों को 450 रुपए का गैस सिलेंडर भी मिलेगा। DAVVNEP और पुरानी स्कीम वाले ग्रेजुएशन फाइनल ईयर की सप्लीमेंट्री एग्जाम अक्टूबर में कराएगी। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने स्नातक अंतिम वर्ष की पूरक परीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जहां एनईपी और पुरानी स्कीम वाले स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा एक साथ करवाई जाएगी। विश्वविद्यालय ने पूरक परीक्षा अक्टूबर 2 सप्ताह में रखी है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 10 दिनों के भीतर परीक्षा संपन्न करवाने पर जोर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक दोनों परीक्षाओं को लेकर अलग अलग सेंटर बनाए जाएंगे। स्टूडेंट्स को राहत है, एडमिशन के दौरान अब ओरिजिनल मार्कशीट नहीं रख सकेंगे शैक्षणिक संस्थान। प्रवेश प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों से मूल दस्तावेज अब शैक्षणिक संस्थान अपने पास नहीं रख सकेंगे। शनिवार को कलेक्टर आशीष सिंह ने छात्र छात्राओं की शिकायत के बाद जारी किया है। बीते दिनों 1 दर्जन से ज्यादा विद्यार्थियों ने कलेक्टर में कॉलेजों व स्कूलों द्वारा मूल दस्तावेज नहीं लौटाने के संबंध में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें अनुसूची प्रमाण पत्र देने के लिए विद्यार्थियों से मोटी रकम वसूलने की बात भी सामने आई है। वहीं आदेश में उन संस्थानों को तुरंत दस्तावेज लौटाने को कहा है जिन्होंने अपने कार्यालय में इन्हें रखा है। मध्य प्रदेश के 139 इंजीनियरिंग कॉलेजों में 20 से अधिक पाठ्यक्रमों के लिए 70,000 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया। तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के 139 इंजीनियरिंग कॉलेजों में 20 से अधिक पाठ्यक्रमों के लिए 70,000 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया कराई जा रही है। इनमें JEE मेंस की मेरिट के अनुसार 5 अगस्त को सीटें आवंटित की जाएंगी।
वहीं 12वीं के आधार पर प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए भी पंजीयन प्रक्रिया शुरू की गई है। इनकी सीटें 28 अगस्त को आवंटित की जाएंगी। मध्य प्रदेश से 2000 किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार में काटे गए वन, बदले में मध्य प्रदेश के 3 जिलों में होगा पौधारोपण। अंडमान निकोबार आइलैंड की वन भूमि डिनोटिफाई करने के बदले मध्य प्रदेश के 3 जिलों में पौधारोपण किया जाएगा। प्रदेश के देवास, कटनी एवं रायसेन जिले की 1405 हेक्टेयर वन भूमि पर वैकल्पिक पौधारोपण होगा। अंडमान निकोबार आइलैंड में पूरी भूमि ही वन क्षेत्र है, जिससे वहां नियमानुसार कैंपा फंड से वैकल्पिक पौधारोपण के लिए कोई अन्य भूमि ही उपलब्ध नहीं है। इंदौर में चलेंगी डबल डेकर ईवी बसें, यात्रियों को भीड़ से मिलेगी मुक्ति, शहर दर्शन भी कराएगी। अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड द्वारा जल्द ही शहर की सड़कों पर डबल डेकर ईवी बसों का संचालन किया जाएगा। इन्हीं में से कुछ बसों का उपयोग इंदौर दर्शन के लिए भी किया जाएगा। भोपाल रीवा सुपरफास्ट के रूप में मप्र को मिली नई ट्रेन की सौगात, सीएम मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। भोपाल के नर्मदापुरम, इटारसी, पिपरिया, गादरवारा, नरसिंहपुर, जबलपुर, रीवा, सतना व मेहर जाने वाले यात्रियों के लिए शुक्रवार का दिन नई सुविधा की खुशी देने वाला रहा। प्रदेश सरकार की विशेष मांग पर रेलवे की ओर से भोपाल रीवा सुपरफास्ट द्वि साप्ताहिक एक्सप्रेस का संचालन शुरू कर दिया है। शुक्रवार रात भोपाल स्टेशन से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को धन्यवाद किया। उज्जैन में 1500 डमरू वादकों की रविवार को मेगा रिहर्सल, सोमवार को विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। श्रावण मास के तीसरे सोमवार पर 5 अगस्त को शिव नगरी उज्जैन में शक्तिपथ पर डमरू बजाने का विश्व रिकॉर्ड बनेगा। इसमें करीब 1500 डमरू वादक शामिल होंगे। महाकाल मंदिर में होने वाली भस्म आरती की धुन पर डमरू, झांझ व ढोल पर तैयार की विशेष धुन पर 10 मिनट की प्रस्तुति होगी। विश्व रिकॉर्ड बनने के बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम प्रमाण पत्र प्रदान करेगी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल होंगे। मेधावी छात्रों को लैपटॉप खरीदने के लिए एमपी सरकार से मिलेंगे 25,000 रुपए, राशि के लिए शासन से नहीं मिली मंजूरी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 12वीं में 75% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप की राशि दी जाती है, लेकिन इस वर्ष परीक्षा परिणाम आए अब तक 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन शासन ने इसके लिए अब तक स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। इसके लिए विभाग से विद्यार्थियों की सूची मांगी गई थी। CBSE और 70% वालों को शामिल करने पर संशय ऐसा माना जा रहा है कि अगर 75% से अधिक अंक लाने वाले करीब 90,000 विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए 225 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पिछले साल की घोषणा पर अमल किया तो इस बार से CBSE के विद्यार्थियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। साथ ही उन्होंने 70% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को भी इस योजना में शामिल करने की बात कही थी।